आज हरदोई जिला अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए जनसंख्या स्थिरता दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी विधायिका रजनी तिवारी ने फीता काट कर किया, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ और सीएमएस के साथ पखवाड़े में लगे अलग अलग स्टॉलों पर जाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी ली, जिसके बाद विधायिका ने लोगों से मिलकर उन्हें जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम को लेकर लोगों को प्रेरित किया। ये पखवाड़ा में 11 जुलाई से 25 जुलाई तक नियमित रूप से संचालित होगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जिसमें हम लोगों की सोच छोड़िया आ रही है, उसके बारे में हम समझाते हैं उन्हें, जैसे कि मासिक धर्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, शारीरिक डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, जो भी उनको समस्या होती है 10 से 19 साल की जो भी छोड़िया आती है उसको जो छोड़िया आती है उनको हम समझाते हैं, और जो भी छोड़ आते हैं उनको सभी साथ समझाते हैं। हम लोग काउंसलर हैं और भी यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, हर घर उससे हैं, तो उन सभी को हम लोग समझाते हैं यहाँ पे, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और सबको सब जो भी चीज़ें उनको यूज़ करें और अच्छे से कोई भी समस्या ना हो। आज यहाँ पे इसका उद्घाटन है, डॉक्टर ने बताया 11 से लेकर के 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज इसी का उद्घाटन कार्यक्रम है। यहाँ पे जगह जगह पे कैंप लगाए गए हैं, डॉक्टर्स भी दिखाई दिए, जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, और पहले हमने देखा था, हमें बताया भी गया था और स्वयं भी देखा था कि डॉक्टर्स कुछ कम थे, स्पेशलिस्ट कम थे, और इस बार डॉक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, और हमको लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी सरकार सोच रही है और कार्यक्रम कर रही है उसी के सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और इनको सबको कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर्स और हम सब लोग साथ में हैं ताकि पूरा देश हमारा स्वस्थ रहे।